नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीराम विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत कक्षा 2 विषय गणित का अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है खिसकना लुढ़कना। खिसकना लुढ़कना, जैसा इसका नाम आपको पता चल रहा है कि खिसकना और लुढ़कना, ठीक है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम पढ़ेंगे वो मैंने यहां पर लिखे हैं। नंबर 1, ड्रम, संदूक एवं गेंद जैसी आकृति वाली चीजों को परिवेश से, चित्रों से पहचानना। जैसे हम आसपास के परिवेश में हम देखते हैं कुछ वस्तुएं होती हैं जो ड्रम जैसी दिखती हैं, जो गोल होती हैं, जब यदि हमको खिसकाना चाहें तो आसानी से लुढ़क जाती है। ड्रम की क्या विशेषता है कि जब हम उसको, अगर आड़ा गिरा हुआ है तो हम उसको लुढ़काएंगे तो आसानी से लुढ़क जाता है, लेकिन यदि वो खड़ा हुआ है तो वह लुढ़कता नहीं है, उसको हमें खिसकाना पड़ता है। संदूक ये एक ऐसी आकृति है जिसे हम लुढ़का नहीं सकते, खिसकाते हैं। गेंद, जैसे सभी बच्चे जानते हैं क्योंकि गेंद से बच्चे सभी खेलते हैं, गोल होती है जिसे लुढ़काना बहुत ही आसान होता है। कौन सी आकृति वाली चीजें खिसकाई जा सकती है और कौन सी लुढ़काई जा सकती है, इस संदर्भ में हम इस अध्याय के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, लुढ़कने वाली एवं खिसकने वाली चीजों के नाम लिखिए। यहां पर एक सारणी बनाई है मैंने, जिसमें एक तरफ लुढ़कने वाली वस्तुएं हैं और एक तरफ खिसकने वाली वस्तुएं, तो अपन हम उन 4 वस्तुओं के नाम यहां पर लिखेंगे। जैसा मैंने अभी समझाया आपको, तो आप 4 चीजों के नाम लिखे, लुढ़कने वाली और खिसकने वाली। नंबर 1, ऐसी वस्तु जो लुढ़कती है, सबसे पहले बच्चों के दिमाग में आता है जिससे बच्चे खेलते हैं, कौन सी, गेंद। ये गेंद आपने लिख दो। अब ये गेंद जो है ना, इसके अंदर सभी गेंद आ गई। आप कहेंगे फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्योंकि वो सभी गोल होती है, तो आप एक ही बार लिखें, या तो गेंद लिखें या फुटबॉल लिखें, ठीक है। दूसरी लुढ़कने वाली और कौन सी हो सकता है, ड्रम। ड्रम की 2 स्थिति मैंने आपको बताई, यदि वो आड़ा है तो लुढ़केगा और खड़ा है तो खिसकाना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 3, बेलन। बेलन एक आकृति होती है जिसे पाइप नुमा जो होती है ना, बेलन, बेलन। चौथे नंबर पे आप लिखें कौन सी, बोतल। यदि आप आड़ी गिरा देंगे तो आसानी से वो लुढ़कने लगेगी, और अगर सीधी खड़ी रहेगी तो वो नहीं लुढ़केगी। अब ऐसे ही 4 चीजों के नाम लिखे जो खिसकती है। लिखिए सबसे पहले संदूक, ईंट, और उसके बाद और जो आपके दिमाग में आती है वो लिखिए। जैसे संदूक नुमाई होती है अपनी, आलवारी होती है ना, आलवारी है ना, और आपकी बुक, किताब या बुक, इनको आप लुढ़का नहीं सकते, ठीक है। अगला प्रश्न, आप अपने आसपास गेंद जैसी आकृतियों के नाम लिखिए जो गेंद जैसी होती है। कौन कौन सी, सबसे पहले सभी बच्चे जो खेलते हैं गेंद जैसी कौन सी होती है, जैसे फुटबॉल, ठीक है। दूसरी तरबूज, सभी बच्चों ने खाया है ना तरबूज, तरबूज ये भी ऐसी होती है। संतरा ये भी बच्चों ने खा रखा है, खूब खाते हैं, ये भी खूब लुढ़कता है। नींबू, जो आप नींबू लो है ना, इस मौसम में खूब मिल रहा है आपको, ठीक है। और कौन होगी बताइए, कहें जैसे टमाटर। तो ऐसे अनेक चीजें हैं जो आपके आसपास दिखाई देती हैं, इनके नाम मैंने कुछ यहां पर लिखे हैं और बाकी आपको जैसे जैसे आए 8 से 10 नाम आप लिख लें। नेक्स्ट प्रश्न, आप उन चीजों के नाम लिखिए जो संदूक जैसी आकृति की होती है। संदूक जैसे
सबसे पहले मैंने लिखा यहां पर ईंट। ईंट कैसी होती है? संदूक जैसी। आपकी जो बुक होती है ना किताब, वो भी संदूक नुमा ही होती है। अलमारी होती है, ये भी आपकी संदूक नुमा ही होती है, ठीक है। और माचिस, तो ऐसे अनेक चीजें हैं जो ऐसी होती है, और आप याद करेंगे और लिखेंगे 8-10, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट, ड्रम जैसी आकृतियों के नाम लिखिए जो बेलनाकार होती है, जैसे बेलन, बोतल, और कैसी होती है वो देखा आपने, ढोलक। ढोलक भी ऐसा ही होता है, ढोलक और पाइप, ठीक है। तो इन आकृतियों के कैसे होती है, ड्रम जैसी, और आप याद करेंगे और कम से कम 10 लिखेंगे। कितनी लिखेंगे? 10। नेक्स्ट प्रश्न, सही है, ये सही का निशान लगाना है आपको, कहां पर? यहां पर जो एक जो सारणी बनी हुई है ना, ड्रम जैसी, जो ड्रम जैसी दिखती है ऐसी चीज पर आपको सही का निशान। देखिए, माचिस नहीं दिखती ड्रम जैसी, बोतल दिखती है, ये आपकी है। तरबूज गोल होती है गेंद जैसी, गिलास ड्रम जैसा होता है, और ढोलक, ठीक है। अगला, संदूक जैसी, संदूक जैसी टमाटर होता है क्या, कैसा होता है, गोल, तो इस पे नहीं निशान नहीं लगाएंगे। किताब, किताब कैसी होती है, ये भी संदूक जैसी होती है, इस पे निशान लगाएंगे। अलवारी, बांसुरी कैसी होती है, ड्रम जैसी, और ईंट संदूक जैसी, ठीक है। नेक्स्ट, गेंद जैसी जो गोल है, फुटबॉल। पेंसिल कैसी होती है, ड्रम जैसी। कंचा, बच्चे खेल बहुत खेलते हैं कंचा, ये भी गेंद जैसी। लड्डू, नींबू, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न, माचिस व गिलास का घेरा बनाइए। देखिए, माचिस व गिलास, जैसे आपने माचिस रख ली और फिर माचिस के चारों तरफ आप जैसे बाउंड्री खींच दो, तो वह कैसा निशान होगा, माचिस का कैसा घेरा बनेगा, ऐसा, ठीक है। ये माचिस का घेरा बनेगा, किसका, माचिस का। अगला, गिलास, गिलास जैसे हमने रखा और उसको घेरा बनाया, तो उसका कैसा बनेगा, गोल गेंद जैसा घेरा, ये किसका घेरा बनेगा, गिलास का। अगला प्रश्न, मैच कीजिए यानी मिलान कीजिए, एक साइड हमें वस्तु दी है, दूसरी साइड उसका घेरा, कि उस वस्तु को जब हम रखेंगे तो उसका घेरा कैसा बनेगा। यहां पर एक ये ऑयल लिखा हुआ है, जैसे अपना कनस्तर होता है ना पीपा, तो उसको हम जब उसका घेरा बनता है तो कैसा बनता है, उसको आप यहां से मिलाएंगे तो कैसा बनता है, वर्गाकार, ये वर्गाकार, ठीक है। चूड़ी, चूड़ी देखा है आपने, बच्चियां पहनती है अपने। बुक, जो आपकी बुक होती है वो कैसी होती है, आयताकार, ये आयताकार, तो इसका घेरा कैसा बनता है, आयताकार। और ये एक सिक्का पहिया, ठीक है। जिस भी बच्चे को यदि कोई समस्या आ रही हो वीडियो में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, साथ ही यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।